मैं एक नाम लेना चाहता था बट मैंने सोचा कि रहने देता हूँ. बट रिसेंटली एक मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उस क्रिएटर की, बिकॉज शी इज रियली अमेजिंग, उसकी वीडियोज बहुत अच्छी होती हैं. रिसेंटली वो भी ऐसी सिचुएशन में फंस गई थी, अगर आपको पता हो तो. मैं नाम नहीं बोलने वाला हूँ लेकिन आपको पता है, एंड शी इज रियली अमेजिंग. अभी वो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे बहुत लोगों से जानते हो, बहुत फेमस है वो, ठीक है, और उसके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं. इनफैक्ट उनके जो फोटोज वीडियोज बहुत ज्यादा अमेजिंग है. वो लड़की जिस तरह से इस प्रॉब्लम से बाहर निकल के आई ना, वो बहुत अमेजिंग है. वो भी इस सिचुएशन में फंसी थी, उसकी वीडियो भी यूट्यूब पे डाल दी गई थी, जो कि वो किसी पे विश्वास करती थी, किसी को जानती थी, और जानती थी तो इंटीमेट हो गई, उसने वो वीडियो बना ली और फाइनली वो वीडियो यूट्यूब पे पता नहीं कैसे बाहर आई, बट वो बाहर आई. उसके बाद देखिए, वो अगर उस लड़की में हिम्मत ना होती तो शायद वो हिम्मत हार जाती और आज शायद वो सोशल मीडिया पे ना होती. लेकिन उस लड़की ने सबका सामना किया. इनफैक्ट मैंने ये भी देखा था कि उस लड़की ने बेसिकली एक लाइव सेशन लिया और अपनी अपनी मन की बात बताई, उसके साथ जो हुआ उसने क्लियरली बताया, बहुत अच्छी बात थी. और आज वो लड़की एक ब्रांड है, ओके, उसने सारी चीज़ें फेस की. मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूँ, क्या उस लड़की की जो वीडियो जिसने भी डाली, वो तब उसके सामने कोई औकात भी नहीं रखता है, ठीक है. उस वीडियो को या उस बात को लोग कितने दिन तक याद रखें, 3 या 4 दिन, और आज वो बहुत बड़ा ब्रांड बन चुकी है, उसको लोग बहुत लंबे टाइम तक याद रखेंगे.